जॉम्बी यूनिवर्स, जहाँ पर एक जॉम्बी कह रहा था मशीन मैन वहां पर गिरा पड़ा है, मैंने उसे देखा है, चलो। तब ब्लैक बोल्ट के साथ आकर किंग पिन उससे पूछता है, क्या तुम इस पोर्ट को ज्वाइन करना चाहोगे? तब ब्लैक बोल्ट कहता है, नहीं, मैं अपना अनडेड गुस्सा रोबोट्स पर नहीं निकालता, भले ही उसने हमारा फूड सप्लाई खत्म कर दिया हो, भले ही उसने हमारे लोग मार दिए हो, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उसने फेवर किया हमारे इस शापित अस्तित्व को मिटाकर। ब्लू सिटी एटिलैंड के वंडर्स, जो कि यौन ल्यूनर पर है, वो अब बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। इन ह्यूमन पीपल्स की सोल, जो कि हंगर से पहले थी, वो अब मुझे काटने को दौड़ती है, वो लोग जिन्हें मैंने खत्म किया। ये सोचकर मैं कांप जाता हूँ, पर उससे भी ज्यादा भयानक ये है कि मैं उस रोबोट की मदद नहीं कर सकता हमारे अस्तित्व को खत्म करने में, और ना ही इस हंगर को रजिस्ट कर सकता हूँ। तब किंग पिन कहता है, योर मैजेस्टी, मैं खुश हूँ कि नेक्रोसिस ने आपके वोकल कॉर्ड्स को गिफ्ट दिया बात करने का, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे? तब ब्लैक बोल्ट कहता है, सॉरी, शायद नेक्रोसिस ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपना रॉयल एटीट्यूड छोड़ चुका है। द मार्वल यूनिवर्स, द हॉलो आर्मर हेडक्वार्टर में, जहाँ पर पोर्टल से एंटर होते हुए लिटिल स्काई और जोकास्टा एक दूसरे से कहते हैं, अभी स्ट्रेट जाओ मेड लैब की तरफ और डॉक्टर मॉर्बियस को ब्लड सैंपल दो, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तब जोकास्टा कहती है, सर, कैप हॉबर्ट के पास मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी एजेंट एरन स्टैक का नाम पोस्टमेस कमेंडेशन के लिए, प्रॉपर मेमोरियल ब्यूरल और ऑनर के साथ, उस चीज के लिए जो चीज उसने आज की। तब लिटिल स्काई कहता है, हमारे पास इस सब के लिए बहुत वक्त है, लेकिन अभी हमारा कॉन्सर्ट है लिविंग्स के साथ, तो जाओ। तब वो कंट्रोल रूम में बैठे लोगों से कहता है, मिशन अकम्प्लिश्ड, हमें वो मिल गया। तब हम देखते हैं कंट्रोल रूम का नजारा, जो देखकर समझ में आ जाता है कि जॉम्बी मॉर्बियस ने अपना काम शुरू कर दिया है। तब लैब में अंदर जाते हुए जोकास्टा कहती है, डॉक्टर मॉर्बियस, इस चीज के लिए एरन ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, मैं वो ले आई। तब वो देखती है जॉम्बी मॉर्बियस को लोगों को खाते हुए, जिस पर जॉम्बी मॉर्बियस कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ बिना एनेस्थेटिक्स के, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं अपना मीट ऑर्गेनिक पसंद करता हूँ बिना किसी एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स के। और वो आगे बढ़ने लगता है जोकास्टा की तरफ। तभी डायरेक्टर लिटिल स्काई जोकास्टा को मैसेज करते हैं। जोकास्टा कहती है, डायरेक्टर, हमारे पास एक सिचुएशन है। तब लिटिल स्काई अपने जॉम्बी कलीग्स को मारते हुए कहती है, मुझे पता है, चलो जल्दी से टेलीपोर्टर बे पर आओ और किसी भी कीमत पर उन्हें डिफेंड करो। आगे कहता है, अगर उनमें से कोई भी द हॉलो के बाहर गया तो वो पूरे प्लेनेट को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और वो आगे उसे बताते हैं कि सबसे छोटा रास्ता है अल्टरनेट अर्थ के कंटेनमेंट एरिया से। और तब वो देखती है वहां पर अर्थ 1519 का कैप्टन मैक्सिका आजाद होकर लोगों को मार रहा था। वो जॉम्बी से पीछे छुड़ाकर टेलीपोर्टर बे पर पहुंचती है, जहां पर वो कहती है, क्या मैं बहुत लेट हूँ? और एक डोर के अंदर दो जॉम्बी जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें वो पीछे धकेलते हुए कह रही थी, पीछे रहो। लेकिन वो दोनों जॉम्बी कहते हैं, लेकिन जो फंसता, तुम हमें हमारे फैमिली से गुड बाय कहने नहीं दोगी? तुम इतनी कोल्ड और अनफीलिंग कैसे हो सकती हो? तब जोकास्टा उन जॉम्बीज को मारते हुए कहती है, मैंने कहा पीछे हटो, और वो दरवाजा बंद कर देती है। तब वास्प आकर उसे कहती है, मुझे पता है तुम क्यों इतनी कोल्ड और अनफीलिंग हो, क्योंकि तुम एक गंदी बदबूदार रोबोट हो। तब जोकास्टा कहती है, मैं सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ। तब वास्प कहती है, प्रोग्रामिंग, ऑर्डर्स या फिर और कुछ, तुम चाहे जो भी खेलो, लेकिन ये सच नहीं बदलने वाला। तभी अंदर से आवाज आती है कि कोई है, वो हमारे पास आ रहे हैं, वो नजदीक आ चुके हैं, हमें अंदर आने दो। तब वास्प कहती है, इसका मतलब है तुम हम जैसी यानी ह्यूमंस जैसी कभी नहीं बन सकती। तब जोकास्टा कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तब दूसरी तरफ जॉम्बी यूनिवर्स में लीडर और उसके साथियों को मशीन मैन की जली कटी बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम याद है तुम्हें, हम भले ही तुम्हें खा ना सके या फिर हमारे जैसा ना बना सके, लेकिन इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें हमेशा के लिए हर्ट करते रहेंगे और हमारे पास कोई वजह नहीं है इसे रोकने की। तब एक जॉम्बी आगे बढ़कर कहता है, बताओ मुझे, इसका वॉइस बॉक्स या स्पीकर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैं इसकी चीख सुनना चाहता हूँ जब मैं इसका सर इसके धड़ से अलग करूंगा। तब वो उसका सर पकड़ने जाता है, लेकिन उसके हाथ उसके सर के आर पार हो जाते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, वोकल फीचर्स तो परफेक्ट ही काम कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं मशीन मैन को, जो कह रहा था ये तो एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था,
तब सारे जॉम्बीज उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो अपने फ्लेम थ्रोवर से उन सबको जला देता है। और एक जॉम्बी जलते हुए आकर मशीन मैन का पैर पकड़ लेता है, उस पर वो उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। तभी टनल की दूसरी तरफ से दो स्पीडस्टर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब वो अपनी उंगलियों में लगे माइक्रोफिलामेंट वायर्स को रिलीज करके एक जाल बिछा देता है और वो वायर्स पकड़कर टनल की दूसरी छोर पर खड़ा हो जाता है, जिससे स्पीडस्टर आकर टकरा जाते हैं और वो दोनों मारे जाते हैं।